क्राइम ब्रांच टीम को मिली सफलता, 80 लाख के मोबाइल बरामद। कानपुर, एक बार फिर कानपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी। क्राइम ब्रांच टीम ने चोरी हुए और गुम हुए करीब 125 मोबाइल फोन बरामद कर मोबाइल धारकों को सौंप दिए। इन मोबाइल की कीमत लगभग 80 लाख रुपए बताई जा रही है। अपने मोबाइल वापस पाकर मोबाइल धारकों के चेहरे पर अलग ही मुस्कान देखने को मिली। बताते चले, लंबे समय से यूपी कॉप ऐप के माध्यम से और कानपुर शहर के अलग अलग थाना क्षेत्र से मोबाइल चोरी होने और गुम होने की कई सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, जिनको संज्ञान में लेकर आला अधिकारियों द्वारा क्राइम ब्रांच टीम को आदेशित किया गया। क्राइम ब्रांच टीम द्वारा ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए करीब 125 मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। मोबाइल धारकों को सूचना देकर शनिवार को दोपहर क्राइम ब्रांच ऑफिस बुलाया गया, जहां पर कानपुर पुलिस कमिश्नर आर के स्वर्णकार और डीसीपी क्राइम सलमान ताज पाटिल के द्वारा मोबाइल धारकों को उनके खोए हुए मोबाइल लौटाए गए। लंबे समय से खोए मोबाइल वापस पाकर मोबाइल धारकों के चेहरे पर अलग ही खुशी देखने को मिली। अपने खोए मोबाइल वापस पाकर मोबाइल धारकों ने कानपुर पुलिस की खूब प्रशंसा भी की। शनिवार दोपहर मीडिया बंधुओं से बात करते हुए डीसीपी क्राइम सलमान ताज पाटिल ने बताया कि काफी समय से कानपुर नगर में मोबाइल चोरी होने और गुम होने की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिनको संज्ञान में लेकर उचित कार्यवाही करते हुए 125 मोबाइल बरामद किए गए। बरामद मोबाइल फोन धारकों को सौंप दिए गए। इन मोबाइल की कीमत करीबन 80 लाख रुपए आंकी गई है। डीसीपी क्राइम सलमान ताज पाटिल ने बताया कि जब भी अगर आपका फोन चोरी हो जाए या गुम हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, तुरंत ही उसकी सूचना आपके सियान मोबाइल या नजदीकी साइबर कैफे में जाकर यूपी कॉप ऐप के माध्यम से अपने मोबाइल फोन के चोरी होने या गुम होने की सूचना दर्ज करा दें, जिसको आला अधिकारी तुरंत संज्ञान में लेते हैं और उचित कार्रवाई कर जल्द से जल्द आपके फोन को बरामद करने का प्रयास लगातार कानपुर पुलिस के द्वारा किया जाता है। आरटीआई न्यूज 24 के लिए सूरज कश्यप की रिपोर्ट। आज के दिन में कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा लगभग 125 लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल लौटाए जा रहे हैं, और खुशी की बात यह है कि 1 जनवरी 2023 से लेकर अब तक लगभग 504 लोगों को उनके मोबाइल को अभी तक सकुशल लौटाया गया है। अभी तक हमारे पास लगभग 1000 एप्लीकेशन लगभग प्राप्त हैं, और बाकियों को भी ट्रेस करके उनके जो ओनर्स हैं, राइटफुल ओनर्स हैं, विधिक प्रक्रिया के तहत उनको पहुँचाया जाएगा। सर, बहुत मुश्किल होती है लोगों को जिनके मोबाइल खो जाते हैं, तो एक आसान प्रक्रिया क्या है जो कि आम आदमी अपना सकता है? देखिए, सबसे पहले इसी माध्यम से मैं आह्वान करूंगा कि यूपी कॉप एक ऐप है जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से आपको बिना थाना चौकी जाए हुए अपना एप्लीकेशन आप उसमें दर्ज कर सकते हैं। तो सभी से अनुरोध है कि जिस किसी को इस तरीके की समस्या आती है, यूपी कॉप पर अपना एप्लीकेशन दर्ज कराएं, इसकी सूचना तुरंत पुलिस के पास पहुँच जाती है और उस पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। ये लगभग 80 लाख रुपए के आसपास की ये कीमत है इन मोबाइलों की, जो हम अभी तक इस वर्ष लोगों को लौटाए हैं। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरटीआई न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।